हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपके सामने इस बार राग अहिर भैरव की बहुत फेमस, बहुत जानी मानी और बहुत प्रचलित बंदिश है अलबेला सजन आयो रे, इसकी नोटेशन समझाने के लिए आया हूँ। राग अहिर भैरव वैसे आपका जाना पहचाना राग है, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ ताकि आप इसको राग को अच्छी तरह से समझ सकें। तो राग अहिर भैरव ठाट भैरव से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इसकी जाति संपूर्ण है, सारे स्वर इसमें लगते हैं, कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। रे और नी दो स्वर इसमें कोमल लगते हैं। वादी और संवादी स्वर है इसके म और सा। प्रातः काल में ये राग गाया बजाया जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, दिन के प्रथम प्रहर में। इसका आरह अवरोह और पकड़ में आपके सामने एक बार बजा के बता देता हूँ। ये भक्ति रस एवं श्रृंगार रस एवं विरह के रस का ये राग है। ये राग उत्तरांग प्रधान है, उत्तरांग में इसे ज़्यादा गाया बजाया जाता है, हालांकि पूर्वांग में भी इसका थोड़ा प्रस्तार किया जाता है। इसकी बंदिश अलबेला सजन आयो रे ताल के साथ सुने, इससे पहले थोड़ा सा आलाप भी सुन लेते हैं अहिर भैरव में। बंदिश देखते हैं 140 BPM की स्पीड में तीन ताल में। ये बंदिश सातवीं मात्रा से उठती है, हमने स्वर लिया है काली पांच यानी ए शार्प और स्पीड है 140 BPM तीन ताल में, सातवीं मात्रा से बंदिश उठती है। Thank you.
शब्द भी ताल के साथ एक बार गा लेते हैं। पहली लाइन जो है अलबे अला, इसको हमने थोड़ा वेरिएशन लिया है, मग पम रे सा रे ग मग पम रे सिंप्लीफाई करके गाना या बजाना चाहते हैं तो ग म र सा नी सा रे ग ग म अ ल ब ल स ज न आ यो रे ग म र सा नी सा रे ग ग म मोरा अत मन सुख पायो रे मोरा गामा मोरा अतमन पद निद सुख सानिद प पायो रे पद निद अलबेला। पूरी लाइन, दूसरी लाइन, मोरा अत मन सुख पायो रे गामा पद निद सा निद प पद निद म गम रे सा नी सा रे ग ग म अल बे मग पम रे सा नी सा रे ग ग म अला बेला सजन आयो रे। इसका अंतरा खाली से ऑफ बीट से उठता है, यानी कि दसवीं मात्रा से उठता है, नौवीं मात्रा आ जाए उसके बाद तुरंत उठता है। चोक पुरावो मंगल गावो पद नि सा रे ग रे रे सा म पद नि सा रे ग रे रे सा चोक पुरावो मंगल गावो म पद नि सा रे ग रे रे सा मोरा मन रंगनित पायो रे सा रे सा नी नी सा नी द पद नी द मा सा रे सा नी नी सा नी द पद नी द मा
मोरा मन रंग नीत पायो रे अलबेला सारे सानी निसानी द प पदनी द मग पमर सानी सारे ग ग म अलबे जगह पे रे और नी ऋषभ और ऋषाद दोनों कोमल आते हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो बहुत सी फेमस बहुत ही प्यारी बंदिश अहिर भैरव की बहुत जानी पहचानी बंदिश मैंने आपको नोटेशन के साथ गाकर बजाकर सिखाई है। मैं आशा करता हूँ आप इसे जरूर सीखेंगे और मुझे बताएंगे भी आपको कैसा लगा, कैसा सीखा आपने, सीखने में सरलता हुई नहीं हुई आप अवश्य बताइएगा। मेरी इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।